सबको भाजपा में शामिल करूंगा। तुम अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाते हो, भाजपाइयों तुम लोग पूरी ईमानदारी के साथ बाहर निकलेंगे और जेल के ताले टूटेंगे। ईश्वर के घर में देर है अंधेर। ये वक्त जश्न का नहीं है, ये वक्त संघर्ष का है। ये बोल आप पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह के तिहाड़ जेल से छूटने के बाद के हैं। कथित शराब घोटाला में बंद संजय सिंह को 6 महीने के बाद 2 अप्रैल 2024 को जेल से जमानत मिली थी, जिसके बाद उन्होंने चिल्लाकर अपनी बात समर्थकों और मीडिया के सामने रखी। उन्होंने नारा देते हुए कहा, जेल के ताले टूटेंगे, सारे नेता छूटेंगे। संजय सिंह की दहाड़ पूरे देश में गूंज रही है। आप पार्टी के लिए संजीवनी का काम कर रहे हैं संजय सिंह, क्या कुछ बोल रहे हैं जेल से बाहर आने के बाद, सुनाएंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। संजय सिंह को कथित शराब नीति घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद वो 6 महीने बाद जमानत पर रिहा हुए। आप समर्थक और संजय सिंह के घर वाले जेल के बाहर आने का उनके बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। संजय सिंह जब तिहाड़ जेल से निकले तब वहां हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे। संजय सिंह ने दोनों हाथ उठाकर कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ाया। संजय सिंह के तिहाड़ जेल से रिहा होने पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, ये वक्त जश्न का नहीं है, ये वक्त संघर्ष का है। हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल में रखा गया है। हमें पूरा भरोसा है कि इस जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। संजय सिंह के नारे से ये साफ दिख रहा है कि वो कितने कॉन्फिडेंट है। जेल से बाहर आते ही संजय सिंह सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के आवास पर जाकर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलने निकल गए। संजय सिंह जेल से रिहा होते ही अपने काम पर जुट गए। संजय सिंह ने भले ही अपने मामले को लेकर बयान ना दिया हो, लेकिन वो भाजपा पर निशाना साधने से जरा भी पीछे नहीं हटे। एक के बाद एक निशाने भाजपा पर वो लगाते रहे, चाहे वो भ्रष्टाचार से जुड़ी बयानबाजी हो या नारेबाजी। वही उन्होंने बताया, मुख्यमंत्री केजरीवाल ईमानदार नेता है। क्या कुछ संजय सिंह ने कहा आप भी सुनिए। मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी कहते हैं, भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं। पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको भाजपा में शामिल करूंगा। अभिषेक मनु सिंघवी जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत माता के रक्षा सौदे में रिश्वत खाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। कौन पकड़ा गया था पंकज भाई? कौन पकड़ा गया था? बंगारू लक्ष्मण। बंगारू लक्ष्मण वो कौन था? भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। कैमरे के सामने किस मामले में रिश्वत ले रहा था? रक्षा सौदे में। किसके रक्षा सौदे में? भारत माता के रक्षा सौदे में। इनके दफ्तर में फोटो लगा उसका। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूरी दुनिया में भारत माता की रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए देखा, वो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है। तुम अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाते हो, भाजपाइयों तुम लोग उठाते सवाल। अरे इतना ही नहीं, बिल्कुल ठीक कहा सौरभ भाई ने, बंगारू लक्ष्मण को सिर्फ रिश्वत खाते दुनिया में नहीं देखा, बंगारू लक्ष्मण को रिश्वतखोरी के मामले में सजा हुई है, सजा सजा सजा। बंगारू जनता पार्टी और हम लोग, हमारे साथी, आप सबसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, कल जब मैं हॉस्पिटल जा रहा था अपने ट्रीटमेंट के लिए ILBS, तो एम्बुलेंस में जो साथी हमारे साथ थे, दिल्ली पुलिस के जवान, उनसे मैं पता नहीं क्यों बातचीत में मेरे मुंह से एक शब्द निकला कि ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सारे साथी
पूरी ईमानदारी के साथ बाहर निकलेंगे और जेल के ताले टूटेंगे। संजय सिंह की रिहाई होने पर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी भी पीछे नहीं रही। आतिशी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ईडी से पूछा कि मनी ट्रेल कहाँ है, ईडी के पास कोई जवाब नहीं था और इसी कारण ईडी को कहना पड़ा कि हम जमानत का विरोध नहीं करते हैं। और आज 6 महीने बाद संजय सिंह वापस आए हैं। संजय सिंह फिर से शेर की तरह दहाड़ेंगे और भाजपा की तानाशाही को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये जश्न का नहीं, संघर्ष का माहौल है। जब तक हमारे पार्टी के बाकी नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और विजय नायर जेल के बाहर नहीं निकलते, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। जब सब लोग आ जाएंगे तब जश्न ही जश्न मनेगा। वही संजय सिंह की रिहाई होने पर आप नेता जैस्मिन शाह ने कहा, संजय सिंह आपके शेर है। यही कारण था कि भाजपा ने उन्हें एक फर्जी मुकदमे में बंद कर दिया। इस मुकदमे में कोई मनी ट्रेल नहीं है। संघर्ष जारी रहेगा, ये जश्न का मौका नहीं है। हमारे और भी कई नेताओं को गैर कानूनी तरीके से जेल में बंद कर दिया गया है। जब तक आपके सभी नेता बाहर नहीं आ जाते, जश्न नहीं मनाया जाएगा। हम तब तक दोगुनी ऊर्जा से संघर्ष करेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में भी शामिल होने को तैयार है, बल्कि जेल के बाहर आते ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और कमान संभाल ली। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।